हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहा है और ड्यूटी पर आए हुए हैं, और अभी 12-8 का ड्यूटी चल रहा है रेगुलर। कम से कम आज 5 दिन हो गया है और एक दिन और ड्यूटी करना है। तो ये वाला ड्यूटी थोड़ा हार्ड है। हार्ड इसलिए है कि इस ड्यूटी में बहुत ज़्यादा नींद आता है, और कभी ये जो 4 से 5 के बीच में बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो कभी इधर उधर टहलते हैं, तो कभी कुर्सी पर बैठते हैं, तो कभी फोन आता है तो गाड़ी पास करते हैं। तो इसी तरह से ये जो 12-8 का ड्यूटी है, इसमें इस तरह से ड्यूटी बिताना पड़ रहा है। तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं रेलवे से जुड़े। तो दोस्तों, जो भी भाई वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज है कुछ एक्सीडेंट के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि इधर 3-4 महीना से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे में। 3-4 महीना पहले ये जो उड़ीसा के बालासोर में रेलवे दुर्घटना हुआ, इसमें रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ ये भी। और इधर बिहार के बक्सर ज़िला में 2-3 दिन पहले जो दुर्घटना हुआ, ये भी रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ। और एक और दुर्घटना इससे पहले हुआ था मेरठ में, मथुरा के मेरठ में हुआ था। उस पर तो जो वो ये पैसेंजर गाड़ी है प्लेटफार्म पे ही चढ़ा दिया था, तो ये भी लापरवाही के कारण हुआ। और 2-3 दिन पहले और एक जो पैसेंजर गाड़ी है उसमें आग लग गया था। तो आग तो लगना आम बात है, उसमें तो लापरवाही नहीं बोल सकते हैं। कुछ मशीन में फॉल्ट हो जाने के कारण, चाहे कुछ आग किसी कारण बस लगा होगा, उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उसको लापरवाही नहीं बोल सकते हैं। उसमें फॉल्ट हो गया होगा, चाहे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया होगा, उस कारण से हुआ होगा। लेकिन इधर 3-4 जो दुर्घटना हुआ उसमें रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ। जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ वो भी लापरवाही के कारण हुआ। जैसे एक मेन लाइन थी और एक लूप लाइन थी, तो लूप लाइन में एक मालगाड़ी लगा हुआ था और मेन लाइन से एक गाड़ी जाने वाली थी। तो जिस जो पॉइंट रहता है, पॉइंट देने का मेन लाइन में, तो वो लूप लाइन में ही सेट करके दे दिया गया। तो वो दुर्घटना से 3 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। तो उसमें भी बहुत सारे आदमी घायल हुए और मृत्यु हो गया उसमें भी बहुत सारे आदमी का। और यहाँ जो बिहार के बक्सर ज़िले में हुआ, उसमें भी पूरा बोगी पटरी से उतर गया और उसमें भी बहुत सारे आदमी घायल हुए और कुछ आदमी का मृत्यु भी हो गया। और ये 2-3 गाड़ी में तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये सब भी लापरवाही के कारण हुआ। और ये जो बिहार के बक्सर ज़िले में हुआ, ये भी यहाँ पे भी कुछ ट्रैक के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कुछ फॉल्ट होने के कारण ये दुर्घटना हुआ। और वहाँ पे 2-3 दिन पहले शायद काम चला था, न्यूज़ में मैं देखा था तो बताया जा रहा है कि काम चला था और उस कारण से ये दुर्घटना हुआ। और जो मेरठ की मथुरा में शायद जो पैसेंजर गाड़ी थी वो प्लेटफार्म पर चढ़ा दिया। ये तो इसमें ड्राइवर की गलती थी, और वो वीडियो भी आप देखे होंगे कि मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग करने के चक्कर में वो जहाँ पे हैंडल रहता है वहाँ पे एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं, जैसे गाड़ी बढ़ाते हैं तो एक्सीलेटर दिया जाता है, तो एक्सीलेटर के जगह पे वो अपना बैग रख दिया था वीडियो कॉलिंग करने के चक्कर में। तो ये भी लापरवाही के कारण हुआ, जो भी कर्मचारी था उसके लापरवाही के कारण हुआ। तो अपने भाई लोग से यही मैं बताना चाहता हूँ, जो भी भाई हमारे भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और ज्वाइनिंग कर लिए हैं, करने वाले हैं, उनको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि जब भी ट्रैक पे काम करिए, जो भी आपको काम मिलता है ट्रैक पर, तो उसको अच्छी तरह से करिए। ट्रैक का जितना भी काम रहे, जैसे रेल फिटिंग का हो गया, चाहे पैकिंग का हो गया, चाहे पॉइंट फिटिंग का होता है, पॉइंट फिटिंग करने का रहता है, लाइनर रबड़ पैड ये सब चाबी उबी फिटिंग करने का काम मिलता है हम सबको ट्रैकमैन को। तो ये सब जितना भी काम मिलता है ट्रैक से रिलेटेड, तो उसमें
ढिलाई नहीं दीजिए, जो भी काम मिलता है वहाँ पे अच्छी तरह से करिए, जितना काम बताया जाता है उतना अच्छी तरह से करिए, फिटिंग करिए। बाकी हो गया ट्रैक से बाहर का काम, ट्रैक से बाहर का काम हो गया जैसे आजू बाजू में घास कटिंग का हो गया, चाहे घास निकालने का हो गया, तो उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ट्रैक से रिलेटेड जो फीस प्लेट चेंज करने का हो गया, चाहे बोल्ट टाइट करने का हो गया, ये सब फिटिंग का जितना भी काम रहता है, पैकिंग का हो गया, ये सब जितना भी काम रहता है वो ईमानदारी से करना इसलिए चाहिए कि हम सब ट्रैक पे काम करते हैं, कितना गाड़ी आता जाता है और हमारे भरोसे ही सब, जितना भी गाड़ी जाता है हमारे भरोसे ही जाता है। जो ट्रैकमैन है, कीमैन है, इसमें ट्रैकमैन और कीमैन का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ट्रैक से जितना भी गाड़ी ट्रैक पे जाती है उसमें सबसे ज़्यादा हम ही सबका योगदान रहता है। तो जितने भी भाई, नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर और जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो जो आएंगे ट्रैकमैन पोस्ट पर और जो कर रहे हैं, सभी को मैं बताता हूँ कि जब भी आप ड्यूटी करिए तो ड्यूटी के दौरान एकदम ईमानदारी से करिए, शॉर्टकट में मत भागिए। जो भी ट्रैक पे काम मिलता है, फिटिंग का चाहे कुछ भी काम मिलता है, तो उसको पूरा करके जाइए। ये नहीं कि आधा उधा रख कर दिए तो फिर सोचे कि आधा इतना कर देते हैं फिर आके कल कर देंगे, तो ऐसा मत करिए। जो भी एक दिन का काम मिलता है काम करने का, वो अच्छी तरह से फिटिंग करिए और जो भी प्रॉपर उसमें चाबी चाहे लाइनर चाहे रबड़ पैड लगता है वहाँ पे अच्छी तरह से फिटिंग करिए। क्योंकि जितने भी ट्रेन में यात्री सफ़र करते हैं हमारे भरोसे ही करते हैं, और हम अगर शॉर्टकट में काम करते हैं तो यही सब देखिए, जो जितना भी घटना हुआ हम ही सबके कारण हुआ। अगर हम सब ईमानदारी से करते, जो बक्सर में दुर्घटना हुआ तो उसमें बताया जा रहा है कि ट्रैक में कुछ फॉल्ट होने के कारण हुआ, उस वहाँ पर 2-3 दिन पहले काम चला था और काम अच्छी तरह से प्रॉपर अच्छी तरह से हुआ नहीं था, इसी कारण से ये घटना घटा। तो सभी भाई से विनती है और जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, मैं अपने भाई लोग को ही बताऊँगा, बाकी दूसरा डिपार्टमेंट का उतना मेरे को जानकारी नहीं है, और अपना जो जितना जानकारी है उतना मैं आप सबको बताता हूँ। ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम होता है वो अच्छी तरह से ईमानदारी से करिए, और जो भी फिटिंग का काम मिलता है चाहे पेट्रोलिंग का काम मिलता है तो अच्छी तरह से लाइन देखिए, और ज़्यादा तो इसमें ट्रैकमैन और कीमैन का योगदान रहता है, पेट्रोलमैन का योगदान रहता है। जो नाइट में अभी पेट्रोलिंग के लिए गए हैं यहाँ से 2 आदमी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रात के समय कभी रेल टूट जाता है चाहे पट्टी ढीला हो जाता है, तो ये सब टाइट करने का रहता है पेट्रोलमैन को, कीमैन को और जो गैंगमैन है ट्रैकमैन है उनका। तो एक दिन में जितना भी आपको काम मिलता है वो पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी से करिए और शॉर्टकट में मत भागिए। ये नहीं कि आज ये बोल्ट ढीला है तो नहीं टाइट हो रहा है तो कल आके करेंगे, नहीं टाइट हो रहा है तो उसको खोल के वहाँ पर दूसरा बोल्ट लगा दीजिए, ये तो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे भाई, बहुत सारे भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और करने वाले हैं, तो ये सब जो घटना हो रहा है, कभी ट्रैक से रिलेटेड हो जाता है, कभी सिग्नल से हो जाता है, तो कभी ड्राइवर की गलती से हो जाता है। तो जितने भी हमारे रेलवे में एम्प्लॉई हैं उनसे विनती है कि ड्यूटी अच्छी तरह से करिए और ईमानदारी से करिए, ठीक है। जैसे यहीं पे हम ड्यूटी कर रहे हैं गेट पे, तो गेट जब बंद करने का रहता है चाहे खोलने का रहता है तो उसको अच्छी तरह से बंद करते हैं, जैसे गाड़ी उड़ी आता है, बाइक हो गया, चाहे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, वो सबको देख के बंद करना पड़ता है और ट्रैक के बीच में फंस ना जाए, ये सब भी देखना पड़ता है, और गाड़ी को भी अच्छी तरह से पास करवाना पड़ता है। और अभी तो ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि नींद आता है, तो नींद आता है तो उसका इलाज एक ही है कि आप इधर उधर घूमते रहिए। तो अभी तक जितना लगभग 2-2.5 महीना हो गया है और ये जो 12-8 का ड्यूटी मिला है, तो अभी तो जब भी नींद आता है तो मैं फैन बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और पंखा चालू करने के बाद फिर आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए अभी पंखा बंद है मेरा, और गर्मी लगेगा तो नींद नहीं आएगा, अगर उसके बावजूद भी नींद आता है तो इधर उधर घूमते रहिए, और उतना भी नहीं होता है तो बैठ के कुछ इधर उधर आपसे बात कर लेते हैं, कभी वीडियो बना लेते हैं, तो इस कारण से टाइम पास हो जाता है मेरा।
तो दोस्तों जब भी ड्यूटी पे रहिए, चाहे ड्यूटी पे जाइए, तो पूरा अच्छी तरह से अलर्ट रहिए, और जो भी काम मिलता है ट्रैक से रिलेटेड, चाहे इधर उधर का काम, तो अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, और आज के वीडियो में यही सब आप सबको बताने का था। तो जो भी जानकारी था इन सब चीज़ के बारे में, वो सब मैं आप सबसे शेयर किया और बताया। और जो भी भाई अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं और करने वाले हैं, तो ड्यूटी के दौरान जो भी काम मिलेगा वो अच्छी तरह से ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।